हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हीप ट्री क्या होता है। लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने बी प्लस ट्री पढ़ लिया था, बी प्लस ट्री से हीप ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, ये एक तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। कंप्लीट मतलब बाइनरी ट्री मतलब जिसके दो से अधिक चिल्ड्रन नहीं हो सकते, दो से कम ही हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। कंप्लीट मतलब उसकी सारी लेवल्स फिल्ड होती हैं। बस अगर खाली हो सकती है तो सिर्फ इसकी लास्ट की लेवल खाली हो सकती है, वो भी हम कहाँ से फिल करना शुरू करते हैं, लेफ्ट से फिल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और एक और बात है होती है इसमें, जैसे कि कोई भी ट्री है, ये मान लेते हैं हम, ये रूट नोड है हमारी, ये हमारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये राइट, ठीक है। तो जैसा कि हमने बाइनरी या पीछे वाले ट्रीज में पढ़ा था, बी प्लस बी में हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट वाला छोटा होता है रूट से और राइट वाला बड़ा होता है रूट से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दो प्रकार के ट्री होते हैं। हीप ट्री दो टाइप के होते हैं, एक तो मैक्स हीप होता है और एक मिन हीप होता है, मतलब मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप। अगर हम मैक्सिमम हीप की बात करें तो मैक्सिमम हीप में क्या होता है, रूट सबसे बड़ा होता है, उसके चिल्ड्रन उससे छोटे होते हैं। ऐसे इसके लिए होगा कि ये बड़ा होगा और इसके चिल्ड्रन इससे छोटे होंगे, मतलब नीचे नीचे जैसे हम नीचे लेवल पे जाएंगे तो हमारी वैल्यूज़ छोटी होती जाएंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैक्सिमम हीप में रूट तो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा, और जो हमारा लीफ लेवल है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब यहीं आ जाते हैं हम मिनिमम हीप पर। मिनिमम हीप में क्या होता है, जो हमारा रूट होता है, ये हमारा रूट हो गया, इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड। इसमें क्या होता है, मिनिमम हीप में रूट हमारा सबसे मिनिमम होता है, मतलब ये मिनिमम होगा, इससे बड़े इसके दोनों चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। फिर अगर इसकी बात करें तो इसके चिल्ड्रन इससे बड़े होंगे, इसके चिल्ड्रन इससे बड़े होंगे, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सबसे छोटा मिनिमम होगा, सॉरी सबसे छोटा हमारा रूट होगा। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैक्सिमम हीप है तो रूट हमारा मैक्सिमम है, और मिनिमम हीप है तो रूट हमारा मिनिमम है। उसके बाद उसकी वैल्यू उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी, मतलब मैक्सिमम है तो घटती जाएगी और मिनिमम हीप है तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये दो तरीके के हमारे ट्रीज होते हैं इसमें, मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप। अब हम सेकंड बात करते हैं इनकी पोजीशनिंग की, किस तरीके से इसके वैल्यूज़ या फिर इसकी जो हमें डिफरेंट कीज़ दी हुई होती हैं वो किस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। ये देखते हैं कि जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे इसके दो चिल्ड्रन हो गए, ये हम सिर्फ अभी पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं कि इनकी पोजीशन को हम क्या कहते हैं। ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, मान लेते हैं, ठीक है, इतना हम लेते हैं। तो अगर यहाँ पे इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, और इस तरीके से हम नीचे जाते जाएंगे और इसकी पोजीशनिंग बढ़ाते जाएंगे। ये फर्स्ट पोजीशन है, इसको हम सेकंड पोजीशन कहते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ, इसको सेवन्थ, ठीक है। इस तरीके से हम पोजीशनिंग करते हैं, इसकी पोजीशन ये हमें शो करती है नंबरिंग। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाता है कि अगर आई एक नोड है, आई एक नोड है तो इसके चिल्ड्रन, आई मतलब एक नोड है जिसकी पोजीशनिंग आई है, ठीक है, एक नोड है जिसकी पोजीशनिंग आई है, तो इसके जो चिल्ड्रन है वो किस पोजीशन पे होंगे। तो अगर आई एक नोड की पोजीशनिंग आई है तो उसके चिल्ड्रन 2i एंड 2i प्लस 1 पोजीशनिंग पे होंगे, ठीक है, इसके ये चिल्ड्रन होंगे और ये इसके चिल्ड्रन की पोजीशनिंग होगी अगर ये इस नोड की पोजीशनिंग है। देखते हैं किस तरीके से, मान लेते हैं आई हमारा 3 है, 3 मान लेते हैं,
तीन मैंने मान लिया, तो इसके चिल्ड्रन किस पोजीशन पे होंगे? 2i, 2i मतलब 2i और 2i प्लस 1, 2i प्लस 1, तो ये हमारा क्या निकला 6 और ये हमारा क्या निकला 7। तो अब चेक करते हैं क्या ठीक है। तीन पोजीशन पे जो नोड है उसके चिल्ड्रन 6 और 7 पे होने चाहिए। 6 देख रहे हैं आप, पोजीशन 6 और 7, ठीक है। कई बार ये बात ध्यान रखने वाली है क्योंकि कई बार इस टॉपिक इस पॉइंट पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये क्लियर है। या इससे उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आई कोई एक नोड है तो उसका पेरेंट किस पोजीशन पे होगा। आई पे अगर कोई नोड है तो उसका पेरेंट किस पे होगा, आई बाय टू पर, ठीक है। दिस बाय मतलब कि इसको अगर हम आई मान लें तो इसका पेरेंट किस पे होगा, आई बाय टू पर, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका रिवर्स भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो हुई पोजिशनिंग की बात। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं उसको किस तरीके से इसका हीप का क्वेश्चन आ सकता है। दो चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसमें या तो रूट बड़ा होता है नीचे वाले नोड से या फिर रूट छोटा होता है नीचे वाले नोड से, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और एक दूसरी हमने पोजिशनिंग देख ली कि इस तरीके से इसकी पोजिशनिंग चलती है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होता है। और अगर हमें बीच में से किसी की पोजिशनिंग निकालनी पड़े तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आई पोजिशन पे नोड है तो उसके चिल्ड्रन 2i एंड 2i प्लस 1 पे होते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट हम। एक हम सीक्वेंस लेते हैं, एक हमें अगर ये सीक्वेंस दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि क्या ये मैक्सिमम हीप है या नहीं है। ये मैक्सिमम हीप के लिए हमें चेक करना है, ठीक है। अब जिस सीक्वेंस में हमें नोट्स दिए हुए हैं, ये वैल्यूज दी हुई हैं, उसी सीक्वेंस में हम इसको फिलअप कर देंगे। इसमें कुछ चेक नहीं करना है कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है, हमें एज इट इज़ फिलअप करना है। फिर हमें देखना है कि मैक्सिमम है या नहीं है। 20 ऊपर आ गया। ये इनकी पोजिशनिंग मैं आपको बता देती हूँ। इसकी फर्स्ट पोजिशन रहेगी 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इनकी इस तरीके से पोजीशनिंग रहेगी। तो हमें पता है कि हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और लेफ्ट से राइट पोजीशनिंग को बढ़ाते जाएंगे। ये हो गया हमारा 20, देन 16, देन 14, फिर ये आ जाएगा 6, 13, 10, 1, ये 1, यहाँ पे 3, 7 एंड 12, ये ख़त्म हो गया हमारा। देख सकते हैं आप, ये कंप्लीट है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसकी सारी लेवल्स फिल्ड है और लास्ट लेवल जो है वो लेफ्ट से फिल्ड है, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है, मैक्सिमम हीप। मैक्सिमम हीप के लिए रूट बड़ा होना चाहिए, उसके चिल्ड्रन छोटे होने चाहिए। एक वन बाय वन हम चेक करते जाते हैं। 20 इसके चिल्ड्रन 16 और 14 है जो कि इससे छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, 14 इसके चिल्ड्रन है 10 एंड 1 जो दोनों इससे छोटे, ठीक है। इसके चिल्ड्रन है 6 एंड 13 जो दोनों इससे छोटे हैं, ठीक है। अब यहाँ दिक्कत आ गई, 6 इसके चिल्ड्रन इससे दोनों छोटे होने चाहिए थे लेकिन ये 7 बड़ा है इससे, ठीक है, 7 बड़ा है। तो ये मैक्सिमम हीप नहीं है, या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। अब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर ये मैक्सिमम पे चल रहा था तो इसको छोटा होना चाहिए था 6 से, लेकिन नहीं है तो ये मैक्सिमम हीप नहीं है। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे, मतलब मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, मैक्सिमम हीप कैसे बनाएंगे। जिस पॉइंट पे दिक्कत है ना, हम उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है।
और मैक्सिमम हीप में भी हम ये ध्यान रखेंगे, अगर जिसकी चिल्ड्रन उससे बड़ा या छोटा जो भी है, मतलब कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर हम मैक्सिमम हीप कर रहे हैं तो ऊपर मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके अगर दो चिल्ड्रन हैं तो दोनों में से जो बड़ा है ना सबसे, वो ऊपर जाएगा, ठीक है, तभी वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा रहेगा। तो इसको हम कन्वर्ट करके कैसे कर देंगे, ये हम अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है, सॉरी ये हमें 7 करना था, ये मैंने 7 कर दिया, 7 ऊपर 6 नीचे। अब आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 7 से छोटे हैं दोनों उसके चिल्ड्रन, तो ये मैक्सिमम हीप हो गया। आप ठीक है, अब एक मैं क्वेश्चन और लेती हूँ, उसमें देखती हूँ अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है इस चीज़ में तो हम किस तरीके से मूवमेंट करेंगे इसकी या रोटेशन करेंगे। एक हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, 27, 17, 3, 16, 13, 10, 1, 5, 7, 12, 4, 8, 9 एंड 0, ठीक है, ये हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है। फटाफट हम पहले इसका ट्री बना लेते हैं। ट्री किस तरीके से बनेगा, जैसे मैंने पहले बताया था, एक एक करके नंबरिंग लेते जाएंगे और उसको लगाते जाएंगे, हमें कुछ चेक नहीं करना है इसमें। 17, 3, 16, 13, 10, 1, 5, 7, 12, 4, 8, 9 एंड 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, मैक्सिमम हीपीफाई ए 3, मतलब मैक्सिमम हीपीफाई करना है। एक तो मैक्सिमम ट्री है हमारा, तो हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, थर्ड नोड को, ए जो कि हमारा पूरा ट्री है उस या सीक्वेंस है उसकी थर्ड नोड को हमें मैक्सिमाइज करना है। अब हम देख सकते हैं कि ये 27 है, मतलब सबसे मैक्सिमम है, उससे छोटा है हमारा 17 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम 17 से छोटा है 16 13, 16 से छोटा है 5 7, 13 से छोटा है 12 4, यहाँ आते हैं 3 से छोटा है, 3 से छोटा नहीं है 10, ठीक है, यहाँ दिक्कत आ रही है, इस नोट पे दिक्कत आ रही है। यहाँ पे हमें ये ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे होना चाहिए था, ठीक है। तो हमें थर्ड नोट पे, मतलब ये फर्स्ट पोजीशनिंग हो गई, ये सेकंड पोजीशनिंग, ये थर्ड पोजीशनिंग, तो थर्ड पोजीशन पे जो नोट है उसको हीपीफाई करना है। तो अब मैंने क्या बताया था, अगर हमें हीपीफाई करना होगा, मतलब मैक्सिमम हीप होगा, मैक्सिमम हीप अगर हम बना रहे हैं, तो जो चिल्ड्रन है इसका, जो चिल्ड्रन है दोनों, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा है 10, ये ऊपर चला जाएगा। तो हम कन्वर्ट करके देखते हैं किस तरीके से आता है। यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 1, ये एज इट इज रहेगा, 8, ये 9 और ये 0, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे फिर प्रॉब्लम अराइज हो गई हमारी, कि ये छोटा हो गया और ये दोनों बड़े हो गए, लेकिन हाँ होना चाहिए था ऊपर बड़ा और नीचे दोनों छोटे होने चाहिए थे, अगर मैक्सिमम हीप कर रहे हैं हम। तो अगर हम पहले ही मैंने बताया था, अगर मैक्सिमम हीपीफाई कर रहे हैं तो जो नोड हम देख रहे हैं उसकी जो दोनों चिल्ड्रन हैं उसमें से जो दोनों में से जो बड़ा होगा वो ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस छोटे वाले को ऊपर कर दिया, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला, इसको अगर ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, तो फिर वही प्रॉब्लम, वहीं हम आके अटक जाएंगे कि यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, तो इसका चिल्ड्रन इससे बड़ा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे ही अगर हम मिनिमम हीपीफाई कर रहे होंगे, मिनिमम हीप देख रहे होंगे, तो दोनों, अगर नोड ये दिक्कत कर रही है और दोनों उसकी दोनों ही चिल्ड्रन हैं, तो उन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा वो ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर मिनिमम भेजना है, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 27, 17, 10,
16, 13, 5, 7, 12, 4, 3, 1, 0, सॉरी इसमें हमें 9 रखना था, 9 मैंने ऊपर कर दिया, ये यहाँ 8 आ गया और यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब देख सकते हैं आप सारी जितनी भी नोट्स हैं उसमें सारी अपने चिल्ड्रन से बड़ी हैं। 27 बड़ा है इन दोनों से, 17 बड़ा है इन दोनों से, 10 बड़ा है 9 और 1 से, 16 बड़ा है 5, 7 से, 13 बड़ा है 12, 4 से, 9 बड़ा है 8, 3 से और 1 बड़ा है 0 से। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम हीप हो गया। तो इसी तरीके से हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इसमें हीपीफाई में, बहुत आसान है। लास्ट वाले लेक्चर में तो फिर भी थोड़ी बहुत थोड़ा टफ था, लेकिन इसमें एक बारी अगर आपको रूल्स पता लग जाएंगे तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे दिया हुआ है एज इट इज़ हमें ट्री बना लेना है। उसकी पोजीशनिंग हमें ध्यान से देखनी है कि पोजीशनिंग क्या होती है, और मैक्सिमम में रूट ऊपर रहे, रूट मैक्सिमम होगा और मिनिमम हीप में रूट मिनिमम होगा। जो भी हमें नोड में दिक्कत आएगी हम उसे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। किसी भी नोड को अगर हमें मैक्सिमम हीप में कन्वर्ट करना है तो उसके दोनों चिल्ड्रंस में से जो सबसे बड़ा होगा वो ऊपर जाएगा, और मिनिमम हीप में कन्वर्ट करना है तो उसके दोनों चिल्ड्रन में से जो सबसे छोटा होगा वो ऊपर जाएगा। ओके, इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसमें या किसी भी टॉपिक में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।